नमस्कार, मैं धनंजय चौहान चंडीगढ़ से। पिछले दिनों से चंडीगढ़ में लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है और जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आ रही। पिछले साल भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और इस बार भी कई दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है चंडीगढ़ में, जिस कारण से इन सबके काम धंधे बंद है। ये जो इलाका है ये चंडीगढ़ का बेहद ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर करीबन 40-50 ट्रांसजेंडर रहते हैं और सब लोग या तो जो बस स्टैंड है बसेज में मांगते हैं, ट्रेन में मांगते हैं, या फिर जो लाइट्स हैं जहाँ पर अगर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पर मांगते हैं। तो ट्रैफिक भी बंद है और बस स्टैंड भी बंद है, बसेज भी बंद है। तो इस कारण से इनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और इनका जो मेन जो कार्य था अपना गुजारा चलाने के लिए वो था कि लोगों से वो पैसे लेते, बैगिंग करते थे, तो वो सब काम बंद है। मैं अपने गुरु आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी से और मुनीष जैन जी से निवेदन करती हूँ कि वो प्लीज इनके लिए तुरंत एक जो राशन है वो पहुंचाने की कृपा करें ताकि ये लोग अपना गुजारा चला सकें। सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की थी लेकिन सरकार की तरफ से कब हेल्प होगी ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों की के लिए आप ही उम्मीद हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। पिछले एक साल से ज्यादा ही आप हमारी मदद कर रहे हो और आशा करती हूँ कि इस बार भी आप मदद करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे जो यहाँ पर कम्युनिटी है वो करीबन 2500-3000 लोग हैं, लेकिन जिनको सबसे ज्यादा अभी जरूरत है वो 100-150 लोग हैं जिनको ज्यादा जरूरत है। बाकी सब अपने अपने कहीं ना कहीं उनका जमा पूंजी है वो अपने उससे चला रहे हैं। कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, जो उनकी जमा पूंजी है उससे वो गुजारा चला रहे हैं। लेकिन जिनका हैंड टू माउथ था, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनका काम धंधे बंद है, उनका रोजी रोटी बंद है, उनके उस कारण से वो लोग काफी प्रॉब्लम में हैं। तो आपसे निवेदन है कि इन सब की मदद की जाए और जितने जल्दी से जल्दी हो सकती है, क्योंकि सरकारी मदद हमें पता नहीं कब आएगी। आपसे ही हमें पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी हमें इन सब तक जो है राशन पहुंचाओगे। आपका सब हम लोग धन्यवाद करते हैं और आप सबको देश भर के सभी ट्रांसजेंडर को और सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को ईद की मुबारक।